सुनते सुनते बोर हो गए होगे ना, तो चलो एक कहानी सुना दो। ये उन दिनों की बात है जब बातें भी सामने होती थी, सच्चाई चुपके से कोने में रोती थी। दुनिया पर इंसानों का कब्जा था, वाइल्ड लाइफ पूरे कचरे में सोती थी। तब नदियों का बहाना तो बस बहाना था, असल में केमिकल वेस्ट बहाना था। कुछ दिखावे के लिए साफ सफाई भी थी, फोटो वीडियो खिंचवा के बाबाई भी थी। काला धन सफेद था, सफेद सब काम में था। छोटे की कुर्सी पक्की, सच्चाई का जेल था। आसमान की चादर पर धुएं का पहरा था, ट्रैफिक के शोर में हर कान बहरा। सड़कों पर गाड़ियों की सवारी थी, हवाई जहाज की यात्रा आसमान में जारी थी। बिल्डिंग बिल्डिंग से लड़ जाती थी, ऊंची ऊंची कितनी है ये सबसे कहलाती। सोसाइटी का फैशन भी टॉप क्लास था, जाने रिजल्ट से पहले ही चली जाती थी। मर्डर, किडनैपिंग, रेप, इस आर्ट का बोल पाला था। आर्टिस्ट को चिंता थी, वो तो मंत्री का साला था। हर रोज खबरें आती थी, कोई जुर्म में बदनाम हो गया, खुद को जो वहां सड़क पर देखो, धरती का बेटा कुर्बान हो गया। उस 2020 के साल ने दिया बहुत ज्ञान था कि कैसे इंसान को इंसान से ज्यादा पैसों से प्यार। पैसों के पीछे भागना उसकी जिंदगी बन गई थी, परिवार जो जिंदगी थी उसमें खुद से भी वो छीन गई। घर को ही नहीं मांगता था, माँ की ममता और अपनों के प्यार को भी नाता पहचान बन गया। दोस्त सिर्फ एक नाम बन गया था, दोस्त की शक्ल में सांप पालता वही था। पर कुछ सच्चे रिश्ते भी बनाए थे उसने, पर घमंड और लालच में सब गवाए थे उसने। पर जो इंटरवल की बात है, आगे की कहानी तो बड़ी दमदार है। अच्छा, क्या हुआ फिर आगे? फिर क्या, उसके बाद की बात है। 2020 का साल था, अंदर इंसानों की जेल थी, बाहर कोरोना का जाल था। न जाने कैसा बवाल था, पर हर कोई बेहाल था। इंसानों को घर में बंद कर दिया, कोरोना ने कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया। अब तस्वीरें दुनिया की ऐसी बदल गई, कुदरत की अचानक सूरत सुधर। अब हवाएं भी खुद को महसूस करने लगी थी, नदियां खुल के बहने लगी। सड़कों पर खोए जानवरों का बसेरा था, अब शहर ओए न तेरा न मेरा था। धीरे धीरे चंदा मामा वापिस आया था, अब से सूरज चाचू ने भी सुबह सुबह इंसानों को जलाया था। आसमान मानो शीशे सा साफ था, और तारों का भी ना कोई जवाब था। धीरे धीरे घर की बात बन रही थी, पूजा और नमाज साथ में चल रही थी। इंसानों को अब परिवार से खुशी मिल रही थी, और दूर रह के किसकी दोस्ती सच्ची है सबको पता चल रही थी। पर मेरे एक सवाल है। हाँ हाँ पूछो। क्या लोगों को अंदर रहना पसंद नहीं था? क्या वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे? क्या वो आजाद नहीं होना चाहते थे? हाँ, आजाद तो वो पहले से थे, पर आजादी का मतलब उन्हें अब समझ आया था। आजादी का मतलब बाहर घूमना नहीं था, अंदर रह के अपनों को जानना था। अब उनको ये समझ आया था, पहली बार किसी जंग में मैदान में ना जाना मुश्किली नहीं समझदारी बन गई थी। घर पर रहना बेवकूफी नहीं बहादुरी बन गई। बाकी आप सब बताएं क्या ये सच है